1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के 7 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे और इस हमले का आरोप ईरान ने इसराइल पर लगाया था और तब से ही ईरान एक घायल शेर की तरह इसराइल पर घात लगाकर बैठा हुआ था। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान ने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया था कि अब उसको इसराइल पर हमला करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और तब से ही इसराइल हाई अलर्ट पर था। यहां तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इसराइल को आगाह किया था कि ईरान किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। और उन सभी अटकलों को सच साबित करते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत एकाएक इसराइल पर एक बड़ा हमला किया है। ईरान का कहना है कि उसने इसराइल पर 13 अप्रैल 2024 की रात को एक बड़ा हमला किया। ईरान के मुताबिक उसने इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। यह हमला हिजबुल्ला और यमन के हूती की मदद से किया गया है। ईरान का दावा है कि उसने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी राजदूत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि दमिश्क में हमारे राजनयिक मिशन पर इसराइल की आक्रामकता के विरुद्ध ईरान ने कार्रवाई की है। हालांकि इसराइल ने अगर एक और गलती की तो ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा गंभीर होगी। ये झगड़ा ईरान और इसराइल के बीच है जिससे अमेरिका को जरूर दूर रहना चाहिए। वहीं इस हमले को लेकर ईरानी सेना ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले की निंदा करने में 10 दिनों की चुप्पी के बाद ईरान ने आक्रामक कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईरानी सेना का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों का शुरुआती जत्था आधी रात करीब 2 बजे इसराइल की तरफ दागा गया। इससे पूरे इसराइल में करीब 720 जगहों पर हवाई हमले के सायरन बज उठे। विस्फोटक तेल अवीव, यरूशलम और डिमोना के आसमान में साफ दिखाई दे रहे थे और उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ईरानी सेना का कहना है कि उसने इसराइल पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहली बार सेपरेबल वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जिससे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सके। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और हूती ने इसराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर ईलत पर हमले में ईरान की मदद की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के इतने बड़े हमले में इसराइल को कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि इजरायली फोर्सेस का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हवाई विस्फोटकों को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया था और करीब 99% यानी कि 300 प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। इसराइल ने इस हमले में अभी तक एक मौत की पुष्टि की है। वहीं इस हमले को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड का कहना है कि अमेरिकी सेना ने दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था जो इसराइल की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें ईरान, सीरिया और यमन से दागा गया था। अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जो इसराइल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज को बताया कि अमेरिकी नौसेना ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS ड्वाइट आइजनहावर को इसराइल की तरफ तुरंत रवाना कर दिया था। वहीं ब्रिटेन की एयरफोर्स ने वॉयजर KC-2 इलाके में एयरक्राफ्ट में ईंधन भरने के लिए रवाना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना का कहना है कि जिस एयरबेस से इजरायली जेट्स ने ईरानी दूतावास पर हमला किया था उस एयरबेस पर ईरानी हमले से आग लग गई।
वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने गोलन हाइट्स में इजरायली एयर डिफेंस पर रॉकेट दागे हैं। नजेव रेगिस्तान में इजरायली सैन्य अड्डे पर भी कथित रूप से 7 मिसाइलें गिरी हैं और रेमोन एयरबेस पर भी 7 रॉकेट आ गिरे। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने 200 से ज्यादा घातक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनमें से अधिकतर को बॉर्डर पर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था।